गर्मियों की आमद हो चुकी थी। दिल्ली था मिर्ज़ा गालिब की हवेली। मौलाना फजले हक और मिर्ज़ा गालिब के तमाम दोस्त आम पर चर्चा कर रहे थे, तो सब लोग अपनी अपनी तरह से आम की विशेषता बता रहे थे, खूबी बता रहे थे। जब मौलाना साहब ने गालिब से पूछा कि आप भी कुछ आम के बारे में बताइए, तो गालिब ने सिर्फ दो बातें कही कि आम में सिर्फ दो बात होनी चाहिए, एक वो मीठे होने चाहिए और एक बहुत सारे होने चाहिए। मैं जिस जगह बैठा हूँ वहाँ ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, बहुत सारे आम भी हैं और बहुत मीठे आम भी हैं। बांसवाड़ा का जो पूरा क्षेत्र है वो आमों के लिए काफ़ी फेमस है। मेरे साथ हैं विजय जी, इनकी ये स्टॉल है जहाँ मैं पीछे बैठा हूँ। इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे कि क्या आम हैं, कौन कौन सी किस्म के आम हैं इनके पास, उनकी क्या खासियत है, और कुछ आने वाले समय में आम का क्या यहाँ आप बाज़ार देखते हैं, क्या स्कोप देखते हैं। विजय जी, आपका स्वागत है किसान तक में। हाँ बोलिए, क्या आप बताएं थोड़ा कितने क्या आम है आपके पास? देखिए ये जो है, हाँ, ये है मल्लिका। उठ जाइए, बता दें। हाँ ये मल्लिका है, उसका पकाने के बाद, खाने के बाद में उसका फ्लेवर मल्लिका मुँह में, हाँ मुँह में बना रहता है। आधा किलो का ये काम है कम से कम। हाँ आधा किलो का कम से, इससे बड़ा भी होता है। और ये जो है दशहरी, इसकी खासियत बताइए मल्लिका की, क्या काम आता है? मतलब आम ही है या कैरी, अचार डालते हैं, क्या करते हैं इसका? इसका अचार भी डलता है। अच्छा, और पका के खा भी सकते हैं। तो बांसवाड़ा में इसके कितने बगीचे हैं कुछ पता है? इसके लमसम हो गए 30-40 बगीचे हैं। आपके पास कितने हैं? हमारे पास 7-8 हैं। 7-8 हैं। कहाँ पर हैं ये बगीचे बांसवाड़ा में, किस तरफ हैं? ये अपने ये दाहोद रोड पे है, हवेली गार्डन। अच्छा, फिर ये नया गाँव है, वहाँ पे सरदार जी का है, और फिर इसके बाद में छीज रोड बॉडी गामा, वहाँ चित्रा फार्म। अब आप बताइए कि ये मल्लिका हुआ, इसका दशहरी है, ये दशहरी आम है ना? हाँ दशहरी, ये तो सब जगह मिलता है दरअसल, है ना? ये दशहरी आम है। और ये कौन सा है? ये लंगड़ा है। लंगड़ा है, कच्चा है अभी? अभी कच्चा है, गर्मी बहुत है तो मतलब इस वजह से। और कौन कौन सा है? मेरे साथ कैमरे पर प्रेम है, मैं उनसे कहूँगा कि आम को दिखाएँ ये अपने कैमरे से। ये 3-4 किस्मों की हमारे पास वैरायटी। एक तो ये हो गई मल्लिका है, ये दशहरी है, ये लंगड़ा है, फिर इसके बाद में आगे ये है, आगे आगे ये कौन सा है? ये तो वही वैरायटी, ये भी वही दशहरी है, मल्लिका, ये भी दशहरी और मल्लिका। हाँ। काफ़ी बड़ा है। मुझे एक बात, आम का पेड़ झुकता नहीं होगा, टूटता नहीं है वजन की वजह से? नहीं नहीं झुकता नहीं, जो मतलब टहनियाँ हैं वो झुक। खासियत क्या है तो बताओ? खासियत ये है कि ये पकाने के बाद में खाते हैं तो मुंह में फ्लेवर बना रहता है। अच्छा, घुल जाता है मतलब? हाँ, 10-15 मिनट तक इसका फ्लेवर रहता है। काफ़ी मीठा होता है या? मीठा मीठा। और इसको पकाते आप लोग कैसे हैं, केमिकल से या? ये मतलब जो खाखरा आता है, जो खाखरा पेड़, हाँ खाखरे का पेड़ होता है, और इसके बाद में जो नीम का पेड़ आता है उसके पत्ते, तो उसको बिछा देते हैं उसके ऊपर, फिर और पत्ते डालते हैं, फिर जो ये बारदाना आता है क्या, जो गेहूं की बोरियां, हाँ हाँ, वो उसके ऊपर डाल देते हैं। सूखी या गीली? नहीं सूखी। सूखी सूखी। अच्छा, मतलब कमरे के अंदर पैक कर देते हैं। कितने दिन में फिर ये पक जाते? ये कम से कम 6-7 दिन में। 6-7 दिन, बढ़िया से। और अभी इसका क्या भाव चल रहा है, आपको कैसा भाव मिल रहा है? ये अभी 60 रुपये जा रहा है किलो, किलो पे। और थोक में ही है या तो रिटेल के लिए? रिटेल में। थोक में क्या भाव? आप तो थोक में बेचते होंगे। थोक में मतलब 10-15-20 कम, 15-20 रुपये कम होता है, 20 कम होगा, 50-45-50। इसमें क्या है, मजदूरी लेबर भी लग जाती है। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ आप थोड़ा, और जो देखें कि कितना खर्चा वगैरह आता है आपको इसको, जो गाड़ी गाड़ी भरवाते हैं उसका भी खर्चा रहता है। हाँ। फिर लेबर का खर्चा रहता है। हाँ। फिर हमारा भी खर्चा रहता है इसके अंदर। अच्छा, और दूसरा ये है, ये वाला राजापुरी, ये है अचार की गैर, ये राजापुरी आम है, ये बड़ी बड़ी आती है, थोड़ी छोटी है। मल्लिका, राजापुरी, दशहरी, ये तीन आम तो यहाँ थे, और लंगड़ा आम चार थे। हाँ वो लंगड़ा है, ये लंगड़ा आम है। तो ये चार तरह के आम इनके पास हैं, और इनकी अपनी सारे, कमाल की बात ये कि सब बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र, 10-20-30 किलोमीटर के एरिया में ही ये आम लगते हैं। आप देख रहे थे किसान तक, नमस्कार।